बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों ने माँ, चाची, मौसी, दादी और नानी के किरदारों को अपने अभिनय प्रतिभा से फिल्मों में जीवंत किया है। भले ही वो किरदार छोटे रहे, लेकिन महत्वपूर्ण रहे और दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ सके। इन्हीं कुछ किरदारों के लिए अभिनेत्री सुषमा शेट को जाना जाता है। उन्होंने 70, 80 और 90 के दशक में कई फिल्मों में शानदार रोल किए हैं। सुषमा शेट ने पर्दे पर जरा देर से दस्तक दी, लेकिन अपने अभिनय का लोहा मनवाने में वो सफल रहीं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये अभिनेत्री आज कहाँ और किस हाल में बुढ़ापे में गुजार रही हैं अपनी जिंदगी। सुषमा शेट का जन्म 20 जून 1936 में दिल्ली में हुआ था। इनके परिवार के सभी लोगों को कला में गहरी रुचि थी, इसलिए सुषमा शेट का रुझान भी इसी ओर रहा। सुषमा शेट को हम लोग सीरियल जल्द ही मिल गया था और इन्होंने इससे अपने पैर भी जमा लिए। हम लोग में इन्होंने इमरती देवी का किरदार निभाया था। इस किरदार से वो दादी के रूप में मशहूर हो गईं। खुद उनको ये भी किरदार इतना पसंद आया था कि उन्होंने किरदार सुनते ही हाँ कर दी थी। कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आया था जब दादी का रोल खत्म हो रहा था और उन्हें मनना पड़ता। जब इनके प्रशंसकों को पता चला तो उन्होंने दूरदर्शन को खूब चिट्ठियां लिखी और कहा कि वो दादी को ना मारे। इस बात का जिक्र खुद सुषमा शेट ने कपिल शर्मा के द कपिल शर्मा शो में किया था। सुषमा शेट ने छोटे पर्दे पर जल्द ही पहचान बना ली थी, लेकिन फिल्मी पर्दे तक पहुंचते-पहुंचते उन्हें काफी वक्त लगा। 42 साल की उम्र में सुषमा शेट को पहली फिल्म जुनून 1978 में मिली, जो श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी थी। ये फिल्म इनके करियर के लिए शानदार ओपनिंग थी। इसके बाद सुषमा शेट को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। फिल्म में शशि कपूर, जेनिफर कैंडल, नफीसा अली, टॉम अल्टर, शबाना आजमी, कुलभूषण खरबंदा, नसीरुद्दीन शाह, दीप्ति नवल, पर्ल पद्मश्री और खुद सुषमा शेट ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सुषमा शेट ने फिल्म में शशि कपूर के किरदार जावेद खान की चाची का किरदार निभाया। यहीं से सुषमा का फिल्मों में दादी और माँ बनने का सिलसिला शुरू हो गया था। वर्ष 1981 में आई शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा और संजीव कुमार जैसे नामी सितारों वाली ये फिल्म यश चोपड़ा के निर्देशन और निर्माण में बनी थी। इस फिल्म में सुषमा शेट ने किसी के रिश्तेदार का किरदार नहीं निभाया, वो एक अभिनेत्री के किरदार में नजर आई। सुषमा शेट एक काबिल अदाकारा रही हैं, लेकिन फिल्मों में उनके किरदार इतने बड़े नहीं रहे या फिर यूं कहें कि इतने खास नहीं रहे कि उन्हें अपने अभिनय के लिए किसी तमगे से नवाजा गया हो। हालांकि वर्ष 1985 में आई इस फिल्म में सुषमा शेट को अपनी अदाकारी थोड़े बड़े पैमाने पर दिखाने का मौका मिला। यहाँ वो एक कोठे की मालकिन अमीना बाई के किरदार में नजर आई। बीआर चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2001 में आई और अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर जैसे नामी सितारों से सजी इस फिल्म में सुषमा शेट ने जया बच्चन के किरदार नंदिनी रायचंद की माँ और अमिताभ बच्चन की सास का किरदार निभाया। पर्दे पर इन्हें ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जितना मिला उतने में उन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। यश जौहर और करण जौहर के निर्माण में फिल्म कल होना हो 2003 में सुषमा शेट ने प्रीति जिंटा की दादी लज्जू कपूर का किरदार निभाया था। इस कपूर खानदान में जितने भी फैसले लिए जाते हैं सब में नैना कैथरीन की दादी की भी सहमति होती है। हालांकि कुछ फैसलों को लेकर इस परिवार में विवाद पैदा होता है और जब बाद में लज्जू को अपनी गलती दिखाई देती है तो पछतावे के रूप में वो सुधार भी खुद ही करती है। निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी एक पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें जया बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा मुख्य भूमिकाओं में और सुषमा शेट, रीमा लागू, लीलेट दुबे, डेलनाच पॉल जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आए। हालांकि रियल लाइफ में उन्होंने ऋषि कपूर से लेकर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और प्रीति जिंटा समेत कई सितारों की दादी, माँ और नानी के किरदार अदा किए हैं। जुनून, सिलसिला, प्रेम रोग, तवायफ, नागिन, निगाहें, दीवाना, चांदनी, धड़कन, कभी खुशी कभी गम और कल होना हो जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। हालांकि अगर इनकी आज की बात की जाए तो ये 86 साल की हो चुकी हैं और पहले के मुताबिक काफी बदली हुई नजर आती हैं। आप देख सकते हैं आज ये कितनी बूढ़ी हो चुकी है। हालांकि पहले के मुताबिक इनका चेहरा भी बदल चुका है और बाल भी सफेद हो चुके हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।